कहाँ है श्री रामचरित मानस की मूल प्रति? जय श्री राम दोस्तों, धर्म जिज्ञासा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म जिज्ञासा के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि हम धर्म से जुड़े कुछ खास तथ्य आप तक पहुंचा सकें। बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रामचरित मानस जो लिखी गई है वो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो बाबा तुलसीदास जी ने खुद अपने हाथों से लिखी थी मूल प्रति रामचरितमानस की, वह इस समय कहाँ पर है? क्या आज भी सुरक्षित है तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस की मूल प्रति? चित्रकूट धाम, जब हम चित्रकूट धाम गए, कामतगिरी भगवान की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ से कुछ ही दूरी चलने के बाद हमें एक पुराना मंदिर दिखाई पड़ा। बहुत बड़ा सा महल जैसा मंदिर था। जिज्ञासावश हम उस मंदिर में प्रवेश किए, वहाँ भगवान राम की बहुत प्यारी सी मूर्ति स्थापित थी। उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद में भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन करने के बाद में हमें वहाँ जो कुछ दिखाई पड़ा, वाकई वो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। चित्रकूट धाम में जब हम भगवान कामतानाथ के दर्शन करने के बाद कामतगिरी परिक्रमा करने लगे, तो कुछ दूर ही परिक्रमा करने के बाद हमें एक पुराना महल जैसा मंदिर दिखाई पड़ा। जिज्ञासावश हम उस मंदिर में प्रवेश किए, तो हमने वहां पर देखा तुलसीदास जी की मूर्ति लगी हुई थी, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर राम दरबार की मूर्ति लगी हुई थी। भगवान के दर्शन करने के बाद हमने जो कुछ भी देखा वह काफ़ी आश्चर्यजनक था। जी हाँ, तुलसीदास जी के द्वारा हस्तलिखित श्री रामचरितमानस, जी हाँ, यह वही रामचरितमानस है जो बाबा तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लिखी थी। जब हमें विश्वास नहीं हो रहा था, तो वहाँ मौजूद व्यक्ति से हमने बात की, तो पता चला कि हाँ, यह वही तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के लोग। यहाँ से 45 किलोमीटर उनकी राजापुर की जन्मभूमि, यहाँ चार कांड के दर्शन होते हैं। यहाँ अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, अरंग कांड। आपको बनारस में दो कांड दर्शन होंगे, लंका कांड, सुंदर कांड, और राजापुर जाना पड़ेगा तो एक कांड बाल कांड। ये भारत में सिर्फ तीन जगह दर्शन होंगे। इंटरनेट, गूगल, हर चीज़ में पड़ी है, शासकीय सरकारी। आप मंदिर से बाहर जाएंगे, उनके हाथ का लगाए हुए पीपल का पेड़ मिलेगा। मंदिर से बाहर है उनके हाथ के लगाए हुए दो, इधर जाएंगे तो समाधियाँ हैं तुलसीदास जी की और गुरु जी की, नरहरिदास जी की। ठीक उन्हीं के सिद्धांत पर उनकी गुफा विद्यमान है, नरहरिदास जी महाराज जी की। इसी के ठीक सिद्धांत पर ये मंदिर का निर्माण कराया गया है, पन्ना राजा अमान सिंह ने बनवाया है। तो मित्रों, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस से संबंधित जो भी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध थी वो हमने आपके साथ शेयर करी। अब शीघ्र ही हम धर्म से जुड़े कुछ नए तथ्यों के साथ आपके पास प्रस्तुत होंगे, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।